हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए महारथी शेयर। अब आप कहोगे यार महारथी शेयर, जैसे आप देखते होंगे कि लड़ाई में पहले चार पांच बड़े योद्धा हुआ करते थे, तो ये शेयर भी एक बहुत बड़ा योद्धा है इंडियन शेयर मार्केट का, बहुत बड़ा मैं कहूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पिछले कुछ टाइम में, पिछले मान के चलिए कि 6 महीने में जो बड़े बड़े योद्धा थे वो बिल्कुल शिखर पे, यानी कि पीक पे पहुंच चुके हैं। अब पीक पे तो पहुंच चुके हैं, अब ऐसा लगता है यार इनमें थोड़ा सा करेक्शन आए तो ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। डेफिनेटली हर कोई इंतजार कर रहा है उस करेक्शन का, उस मौके का, इन्वेस्टमेंट के लिए जो मौका बनता है ना उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसा ही मौका इस महारथी शेयर में बनने जा रहा है। फिक्स डिपॉजिट है लॉन्ग टर्म का ये शेयर। अब आप कहोगे रिटायरमेंट वाला शेयर कहोगे इसको, फिक्स डिपॉजिट तो कहोगे कहोगे, रिटायरमेंट वाला शेयर साथ में। अभी तो ये बहुत बड़ा हो चुका है, अगर इसका प्रीवियस हिस्ट्री आपने उठा के देख लोगे तो आप कहोगे अरे इस शेयर ने तो लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। भाई डेफिनेटली बनाया है, क्यों नहीं बनाया है। अगर कोई इससे शुरू से जुड़ा हुआ है तो, और अभी भी जुड़ा हुआ है, तो आप पूछ सकते हो उसको। अगर आप भी जुड़े हुए तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और हाँ, अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। पहला स्टेप होता है डीमैट अकाउंट। अब सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब आप खुद सोचिए, ये नाम आ गया तो महारथी कहने की जरूरत ही नहीं है, ये नाम अपने आप में सब कुछ है। ये नाम जो है ये बहुत बड़ा नाम है, बजाज फाइनेंस। पूरी एनबीएफसी की दुनिया का बेताज बादशाह है बजाज फाइनेंस। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, बहुत ही बड़ा प्लेयर है। पहले क्या होता था, बजाज फाइनेंस जैसे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में जाते थे, कोई सामान लेते थे तो वहाँ बजाज फाइनेंस का कार्ड बनता था। धीरे धीरे मॉल्स में गए आप, मॉल्स में जाते हो बजाज फाइनेंस का कार्ड बनता। आज किसी भी स्टोर्स में जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड ऑल में जाइए, सब जगह पर बजाज फाइनेंस वाले फाइनेंस करते हैं। छोटा छोटा फाइनेंस, चाहे वो 5,000 का हो चाहे वो 7,000 का हो, अब इनका कार्ड बन गया। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया भाई, किसी बंदे को नहीं छोड़ते भाई, सब मार्केट पूरी सिटीज में, छोटी बड़ी सब सिटीज में कैप्चर करते जा रहे हैं। और देखिए जब मार्केट कैप्चर करते जा रहे हैं तो देखिए 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है, कोई कमी नहीं है। आप प्राइस देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4,000 का प्राइस इसका अभी के टाइम पर। भी टेक्निकली देखेंगे स्टॉक को कहाँ पर ये स्टैंड करता है, फिलहाल 4,000 का प्राइस है। और कंपनी की अगर मैं बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% के आसपास, इक्विटी पर रिटर्न देखिए 21-22% का, सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत ही जबरदस्त 34% के आसपास की, और प्रॉफिट ग्रोथ 45% का पिछले 3 साल का एवरेज, काबिले तारीफ। 56% की प्रमोटर होल्डिंग है। अब देखिए स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, पी रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से देखिए अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो हर 52 रुपये पे 1 रुपये कमा के ये दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसमें खूब खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि गारंटीड रिटर्न देता है। चाहे आप ये 100 रुपये में 1 रुपये दें, लेकिन गारंटीड रिटर्न है, इसीलिए यहाँ पे लोग खूब खरीदारी करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बहुत बड़ा प्लेयर। आप देख सकते हो किस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। 2008-2009 में 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, और आज की डेट में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। आप डिवाइड कर सकते हो और पता लगा सकते हो, देखिए 500 करोड़ से 20,000 करोड़ का रिवेन्यू जाना, आपका कितना बड़ा ये ग्रोथ है। यही नहीं, आप प्रॉफिटेबिलिटी में चलिए, 2008 के टाइम पे देखिए 20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, आज की डेट में ये 4,500 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट है, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर इन कंपेरिजन टू दिस। 20 करोड़, दिस इज 4,500 करोड़, इट्स मोर देन 4,500 करोड़, दैट इज क्लियरली मतलब आउटशाइनिंग मैं कहूंगा। और अब इस स्टॉक के रिटर्न्स देखो तो यही तो महारथी शेयर इसको कहलाता है। कौन कहता है, कभी कहते हैं ना कि 50% से ऊपर रिटर्न प्रॉफिट कौन कमा के देता है। देखिए पिछले 10 साल में कंसिस्टेंट देखिए 60 साल से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 5 साल का 40% है, पिछले 3 साल का 44% है, पिछले 1 साल का 45% है, ये प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक का CAGR आपको देख के चौंकाने वाला, कंसिस्टेंट पिछले 10 साल में 60 के CAGR से
आपको रिटर्न दे रहा है 60 का सीएजीआर, स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल में 65, पिछले 3 साल में 64, मतलब मोर देन 60% का सीएजीआर। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो कंसिस्टेंट इतना बड़ा रिटर्न आपको देते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। बहुत कम, बल्कि ना के बराबर स्टॉक हैं ऐसे। बजाज फाइनेंस उसमें से एक स्टॉक है जो आपको हर साल 60% का रिटर्न क्लियरली दे रहा है। आप देख सकते हो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। आप देखो, सर्च कर लो, अगर कोई स्टॉक है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताओ, लेकिन मुझे यहाँ पे बजाज फाइनेंस दिखा है जो कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल में मोर देन 60% का रिटर्न दे रहा है। अपने आप में एक अजूबा, एक नया ही कीर्तिमान आप देख सकते हो। आप टेक्निकल पर जाओगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी, और समझ आपको मिलेगी। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया था। सितंबर 2018 में 4050 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और ये 5650 5700 करोड़ के आसपास बढ़ गया। रेवेन्यू बढ़ा है नो डाउट, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 920 करोड़ से 13-1400 करोड़ गई है। बहुत ही बेहतरीन भाई, इतनी बच्ची, इतनी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, अरे काबिले तारीफ, अमेजिंग, मज़ा आ गया। पिछले सारे क्वार्टर से बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, ये नहीं कि प्रॉफिट में कुछ गिरावट आई है, प्रॉफिट बढ़ता ही रहता है भाई, बजाज फाइनेंस है ये। अब लेके चलता हूँ आपको टेक्निकल पे। देखिए, मौके की जब बात होती है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पिछले साल 2018 में इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी, और बार बार यही कहा जा रहा था ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ये गिरावट आई थी, वो गिरावट इसको 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे धकेल के लेके गई थी 1900 के लेवल पे। और स्टॉक कहाँ से गिरा था, 3000 के लेवल से 1900 के लेवल पे। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखा, जो लोग खरीदार थे इन्होंने खूब खरीदारी यहाँ पे करी, जो डर के निकल गए वो निकल गए, लेकिन जो वैल्यू को समझते थे उन्होंने इतनी खरीदारी इसमें करी, यकीनन जबरदस्त खरीदारी। उसके बाद शेयर ने धीरे धीरे मूवमेंट करता करता 1 साल के अंदर आपके पैसे को डबल कर दिया, ऐसा शेयर है ये। अब देखिए, फिर थोड़ा सा अभी जुलाई के टाइम पे जब बजट की अनाउंसमेंट हुई तो शेयर में एक बड़ी गिरावट आई थी, जब ये 3700 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 2900 के लेवल पे आया था। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 20% के आसपास की इसमें फिर से गिरावट आई। तो भाई ऐसे स्टॉक में 20% की गिरावट, क्या मुझे लगता है कि 10% की गिरावट भी एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। अभी आप देख लीजिए क्लियरली, 4200 के लेवल से, 4300 के लेवल से शेयर गिर के ऑलमोस्ट 3900 के लेवल, मतलब कि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 10% की इसमें गिरावट आ रखी है। थोड़ा सा कम अब पिछले 2 दिनों में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रखी है, और स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है भाई। मतलब बढ़िया मौका इन्वेस्टमेंट का, जो ये अभी आया था जहाँ पे इसने ये गैप अप ओपनिंग जो देखने को मिली थी, इसके आसपास का जो सपोर्ट लिया था बिल्कुल इसी रेंज में, आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो पुराने सपोर्ट्स के आसपास से वापस गया। अब पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली, अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक की जो रेंज है ना, आने वाली रेंज, वो रेंज अगर कुछ करेक्शन आता है, मार्केट यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, उसको ध्यान दें और समझें। पुरानी ट्रेंड लाइन जो चली आ रही है वो 3600 से 3800 की ये रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम कर सकते हैं। देखिए, एक प्राइस को ही नहीं बताएगा कि भाई 3600 तक खरीद लो, ये एक पूरा जोन होता है, तो ये एक जोन का काम करेगी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का। ये वाली लाइन जो ये है, ये जो हमारा गैप अप पैटर्न बना था, पुराना रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। लेकिन अगर ये भी सबसे गोल्डन, इसमें गोल्डन नहीं, मैं कहूँगा डायमंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होती है, अगर आप देखें समझें, मुझे तो बजाज फाइनेंस में जो डायमंड अपॉर्चुनिटी दिखती है हमेशा, कभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए ना, इसको दबोच लेना, मतलब छोड़ना नहीं। आप देख सकते हो पुराने डाटा को, पुराने चार्ट्स को देख सकते हो, इसको छोड़ना नहीं। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, बहुत कम मौके ऐसे आते हैं। आप देख सकते हो पुराने पूरे चार्ट को उठा के रख लीजिए, तो गलती से कभी आपको 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता हुआ दिखे तो ये इसके लिए विन विन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर अक्टूबर में टच किया था, फिर थोड़ा सा टच किया था इसने 28 जनवरी को, और मुझे लगता है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन इसकी 3400 के आसपास, 3400 के आसपास ही अभी ट्रेड कर रही है, और एक पुरानी ट्रेंड लाइन को भी ये फॉलो करता हुआ इसके आसपास है। तो ये तो आपके लिए डायमंड अपॉर्चुनिटी है, इतना नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रांग सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 3700 से 3800 की इस रेंज में देखने को मिल रहा है। तो हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस एक टॉप का शेयर है नो डाउट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। आपको ज़्यादा तारीफ करनी है तो कमेंट के थ्रू कर सकते हैं इसकी तारीफ। आप देख सकते हो किस तरीके से इसने
5 दिसंबर को परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 36% की डिलीवरी देखने को मिली है, 12 लाख शेयर ट्रेड हुए जिसमें 5 लाख 4.5 लाख के आसपास की डिलीवरी है। बड़े शेयर होल्डर, बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स में इन्वेस्टेड होते हैं, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे कि टॉप के जो 1% से ऊपर की होल्डिंग है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उसके अलावा बजाज फिनजब लिमिटेड का ये मेजर शेयर है, बजाज फिनजब का 52-53% की इसमें होल्डिंग है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिविडेंड एंड बोनस की, तो देखिए डिविडेंड बजाज फाइनेंस नहीं देता है, ग्रोथ ही इतनी है भाई, डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं, लोग इसको डिविडेंड के लिए कभी खरीदेंगे ही नहीं, ये ग्रोथ वाला शेयर आप देख सकते हो कि फिर भी 4-5-6 रुपये का डिविडेंड ये हल्का फुल्का आपको दिया करता है। उसके अलावा बोनस की बात करें तो 2016 में इसने 1:1 का बोनस दिया था। चलिए ये अपडेट है बजाज फाइनेंस से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।